गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे चने की खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। हम एक फोटो भी देंगे चने की दाल, देख सकते हैं आप, साफ दाल लेनी है आपने। तो पूरी भर के हम चने की दाल देंगे और एक कटोरी हम चावल देंगे बासमती वाले, और हम चने की दाल को वॉश कर लेंगे। हमने दाल वॉश कर ली है, आप भी ऐसे वॉश कर लेना, धो लेना अच्छी तरह, ठीक है। चलिए हम कुकर चढ़ाते हैं। ये हमने कुकर गर्म कर लिया है, ये हम लेंगे घी। घी हम एक चम्मच लेंगे, ठीक है, एक चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा। इसे गर्म होते हैं, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा 2 चम्मच, और हम लेंगे हींग। चने की खिचड़ी में हींग जरूर ही डालना है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, और हमने ये दाल वॉश कर ली है, और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, ठीक है। और इसको हम थोड़ी देर चला लेंगे। देखिए हमने दाल चला चुकी है, और हम इसमें डालेंगे और 2 चम्मच नमक, ठीक है। और हम इस दाल को आधी पकाएंगे, ठीक है, आधी कच्ची आधी पकी, ठीक है। पानी डाल देंगे और हम इसमें लगा देंगे ढक्कन। जो हमारे चावल थे इसे वॉश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने चावल धो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पानी डाल के भिगो देंगे, ठीक है, हमने 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। देख सकते हैं हमारी दाल आधी गल चुकी है, आप देख सकते हैं खड़ी खड़ी है, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल, ठीक है। ये चावल हमने जो भिगो के रखे थे उसको पानी निकाल देंगे। अब हम चावल इसमें डाल देंगे और इसे पकने देंगे, ठीक है। बना देंगे हम ढक्कन। हमारे चने की खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, परफेक्ट बनी है। आप भी ऐसे बनाइए और खाइए, मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ। ये देखिए, आप भी बनाओ और खाओ।